विमल उपदेश में सबकी उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, जिसने बताया जगत को प्रतीक कर स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, स्वयं में लीन है, आत्मा बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में, मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मे भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तदगुणलब्धये। बड़ी अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की सिद्ध स्वभाव को ध्याते ध्याते और मारीच से महावीर सिंह से सिद्ध परमात्मा हो गए। इस आज के इस लेख में अपन को कैसे आराधना वर्तमान में हो, ऐसी चर्चा स्वामी जी की गजब की एक दीपावली नाम का एक निबंध है और इसमें ऐसी बात कही कि जिससे आपको ऐसा लगे कि मैं ही तो हूँ जिसमें ये सब आयोजन मनाया जा रहा है। उन्हीं के शब्दों में अपन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम जिस आत्मा होने पर भी, आत्मा को पाने के मानस बनाने पर भी आत्म से कैसे दूर बने रहते हैं और ज्ञानी जन हमें कैसे पास खड़े कर देते, महोत्सव करते हुए पहले स्वभाव की महिमा आना चाहिए, क्योंकि ये जो पूजन है, जो स्वाध्याय है, जो तीर्थ यात्रा है, जो मुनि धर्म है, ये होता कहाँ, बेस क्या, किसे समझ में आ रहा है, वो यहाँ है कि नहीं, जिस आत्मा की बहुत चर्चाएं सुनते और वो दूरी बना रहता, भगवान बहुत अच्छे होने चाहिए, भगवान अच्छे, आयोजन बहुत अच्छा होने चाहिए, पर ये बता कौन रहा, कहाँ पता चल रहा है। इसी गजब की चर्चा अभी अपन उनके शब्दों में सुनेंगे। महोत्सव करते हुए, निर्वाण महोत्सव मनाते हुए, तुझे अपना महोत्सव याद नहीं आए कि हम नहीं होते तो ये महोत्सव किसे समझ में आता, यानी ज्ञान की भूमि में महावीर भगवान बैठे हैं तो महावीर तो दिख रहे हो, ज्ञान नहीं दिख रहा। आबाल गोपाल सबको सदाकाल क्या हो रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आएगा कि आ रहा है, आ रहा है कैसे पता चल रहा है कि ये जान रहा है, कौन जान रहा है, ये दिमाग जान रहा है कि मन जान रहा है कि शरीर जान रहा है कि आंखें जान रही, अनुरूप कौन जान रहा है, मैं जान रहा हूँ तो मैं क्या जान रहा हूँ कि भगवान है, तो मैं भगवान जान रहा हूँ तो मैं पहले हूँ ना, भगवान तो बाद में देखे, यदि मैं ही नहीं होता तो भगवान कैसे देखते। अरे अपने दूरी बनाए तो बन ही रहेगी, ग्यारह नौ पूर्व तक की पढ़ाई में दूरी बन सकती है क्योंकि वो धारणा में छह समय आ सकता है, पर मैं ही आत्मा हूं ना तो दूरी अलग हो जाए, कांकरी में लड़का हो गांव में टी, छह जन आई मड़िया जी के बेले, छह बच्चों को लेके आई माँ, कहा कि बेटा घूम गए तो कहाँ खोजेंगे, कि नहीं मम्मी सब लोग जा रहे हम भी चले, हमें बहुत दुख होगा यदि एक भी कम हो गया, नहीं 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 हम आपका पल्ला पकड़े रहे, तो पूरा मेला देखा और शाम को वापस होने के पहले वो गिनने लगी कि वो छह ही है कि नहीं, लिखा अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पांच तो है और छठमा कहाँ गया, तो छठमा नहीं दिख रहा था,
तो दीस ने आई बोली कि मम्मी किसे देख रही, कि छोटा बच्चा था ना चेतन वो नहीं दिख रहा, कि ये क्या है? पांच परमेष्ठी दिखती महेंद्र भैया और आत्मा नहीं दिखती, ये बात भगवान नहीं माने, ये फालतू की बातें हैं, उनको पसंद नहीं आती झूठी। यदि मैं ही नहीं हूं तो शंकर जी किसे दिखा, मैं ही नहीं हूं तो समझ में किसे आ रहा, मैं ज्ञाता नहीं तो ज्ञान कौन करा रहा, मेरे में से ज्ञान नहीं आ रहा तो कहां से आ रहा। एकदम अपन को भगवान किस रूप में देखते हैं और हम अपने को कैसा दीनहीन देखते। दीन भयो प्रभु पद जपे मुकति कहते हो, लेकिन सुनना महोत्सव मनाता है सबास धन्यवाद पाप से बचा, नरक नहीं जाएगा स्वर्ग जाएगा। महिमा तुझे अपनी नहीं आती है, बाहुबली की आती है और महावीर की आती है। बाहुबली कह रहे कि भाई साहब हमारी महिमा तेरे ज्ञान में आ रही है, यदि तू ज्ञान स्वभावी न होता जड़ होता तो तुझे बाहुबली दिखते कहा। स्वभाव की महिमा आना चाहिए, ये कहना है ज्ञानी जनों का। वे भूल स्वयं के वैभव को, अब ये बात लाइने दोहराना नहीं चाहिए बाबू जी की पूजा, ये तो बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। भूल स्वयं के वैभव, स्वभाव को भूलकर अरविंद भैया यहाँ यहाँ पास बेटा को लेके आ, इतने अच्छे जीव सभी को हमारे पास बैठने से कारण है। तो तुम्हारे पीछे बैठे ना भाई साहब श्रेय के चाचा, ये सब पास में आओ थोड़ी आत्मा की बात सुन लो। ये बाहुबली जी क्या कहते अपन को किस रूप में देख, सवर्ण उनाण दिट्ठो जीवो उपयोग लखनो रिच, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में हमारा आइडेंटिटी कार्ड कैसा देखेगा। ये तो ज्ञान स्वभाव ही देखते, तो ज्ञान स्वभाव ही मिलेगा ऐसा देखते हो। अरे ज्ञान स्वभाव ही नहीं है तो ये कौन जान रहा, इतने निकट आ जाओ आप, यानी क्षेत्र से दूरी चल जाएगी पर हृदय से दूरी नहीं बनाओ। महोत्सव करते हुए मड़िया जी आते हुए पूजन करते समय प्रवचन सुनते समय भजन सुनते समय कौन है जो बाबू जी जान रहा है, आप निश्चित करके बता दो कि मैं नहीं जानता। घर की किसी की ताकत हो वो कहे कि साहब मैं नहीं जानता, ऐसा एक आदमी बता दो। तो तुम आदमी नहीं हो, तुम जीव, क्योंकि जानता कौन है, जीव जानता। और मैं जान रहा हूं तो मैं कौन हुआ, मैं जीव हुआ। ये बात अपन को फर्स्ट पर्सन में रख के हाँ पाड़ने के लिए बुलाया बाहुबली। स्वभाव को भूल कर अब अकेले बहुत अच्छा लगा आज का, बाहर की महिमा करे उससे आत्मा को कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो स्वर्ग तो मिलेगा ना अनुज, कि स्वर्ग में आत्मा को लाभ नहीं होता है, स्वर्ग में संयोग दिखते कि ये अच्छा नीचे धरती थी माटी की ये स्फटिक मणि, भाई इतना अंतर आता। जी तो वही रहेगा वहां पर, जो खम्भे पिलर गड़े हैं रत्नों के प्रकाश हैं वो कोई ज्ञान के भीतर नहीं घुस जाएंगे। स्वर्ग में सुख नहीं है कह रहे, ज्ञान स्वभाव सुख स्वभावी। आत्मा भगवान है, आनंद की मूर्ति है, प्रत्यक्ष में जान रहा है और उसे ढांक रहे अपन, कितने दिन चलेगा है? कोई लाभ नहीं होगा बाहर के महोत्सव मनाने से। कौन कह रहे, भगवान कह रहे अखिलेश, कोई लाभ नहीं होगा। अरे इतना अच्छा लगा, अच्छा लगा किसे, कि ज्ञान को, तो ज्ञान किसका है कि आत्मा का है। तो मुझे अच्छा लगा यानी मैं हूं, तब सम्यक दर्शन का आनंद आएगा। मैं हूं माने बिना राग का आनंद भगवान को पसंद नहीं, ये बंधन है। जिसे हम धर्म कहते हैं वो बंधन है, और जिसे हम भूले बैठे हैं वो अबंध है, भगवान है वो आप स्वयं। बाहर में लाभ का कोई कारण नहीं, परंतु स्वभाव की महिमा सहित बाहर में भी महोत्सव मनाए, ऐसा मेल जिसे अच्छा लगता है वो अच्छे लोगों के पास पहुंचे। अपना आत्मा जिसे अच्छा लगता है नंद कुमार जी, वो अच्छे व्यक्ति अच्छे जीवों के पास खड़ा दिखता, अच्छी अच्छी गोष्ठियों में अच्छे भगवंतों की मुद्रा के पास पहुंच जाए, क्योंकि उसे अब संसार में मन लगेगा नहीं। अपने स्वभाव की महिमा करे, वहां बाहर में भगवान के निर्माण कल्याणक महोत्सव की महिमा हो जाती है, और नहीं तो नहीं होती है कह रहे।
तुझे अपनी महिमा नहीं आ रही, जिस पत्नी को अपने पति परमेश्वर की महिमा नहीं आ रही और बाजू वाले पति की तारीफ करती है, मतलब बताओ इस महिला की दृष्टि कैसी। जो सती अपने पति की तरफ उपेक्षा करे और बाजू वाले पति की तारीफ करे, बताओ उसे कौन सती कहे। रावण ने कितना थकाया सीता को, बिंतरादिक की मदद ली, सांप बिच्छू की मदद ली, इसे डसने के लिए दौड़, आर्टिफिशियल सर बनाए विद्या से, किसी करके डरे और हमारी गोद में गिरे। तो वो मरने तैयार थी सीता, परंतु राम के अलावा किसी को जगह नहीं थी उसकी। फिर प्रलोभन दिया कि 18,000 में श्रेष्ठ पद दी गई, तो प्रलोभन का पासा मट्टी में चला। लाखों करोड़ों मील दूर सीता के पति में राम है जो दिखते दूर है और यहाँ बैठे। ऐसे सिद्ध भगवान कितनी दूर बैठे, 7 राजू दूर, और आत्मज्ञानी के कहाँ बैठे, हृदय में बैठे। क्यों बैठे बताते नहीं, क्यों बैठे, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान ही रहता है। सिद्ध भगवान भी ज्ञान बन के आते, अपने ज्ञान में सिद्ध दिखे यानी ज्ञान दिखा, ये बताना। तुम्हें सिद्ध दिखते हैं और ये समझाना चाहते हैं तुम्हें ज्ञान दिखता। निर्वाण कल्याण महोत्सव तो निमित्त बनेगा, एक अपनी सिद्ध स्वभाव को स्वीकार करने से उसमें अनंत सिद्धों का स्वीकार आ गया। कारण ये बात समझ में नहीं आई, हमने अपने सिद्ध को देखा तो ये सब अनंत सिद्ध कैसे दिख गए। जब एक शक्कर का स्वाद लिया तो सारी मिठाई जो बर्तन में रखी है, कुपर में रखी, इतना सा रस लिया चखा और पूरे का स्वाद आ गया। एक चावल देखा कुकर का और पूरा टेस्ट हो गया। एक सिद्ध यहाँ दिखता है और वहां के सिद्ध दिख जाते। क्षण भर निज रस को पी चीत, मिथ्या मल को धो देता है, कासाई के भाव भी नष्ट की। लाखों करोड़ लोग आज के दिन की महिमा करते, अब दिन की महिमा है, अभी महोत्सव की महिमा कर रहा, अब दिन की महिमा। आज प्रभु जी मुक्त हुए, इस प्रकार बहुत को पर की महिमा दिनों की तरफ से भी आती, परंतु उस दिन को भी किसने बताया, ज्ञान ने। तो उसको जानने वाले ज्ञान सामर्थ्य की महिमा क्यों नहीं आई कि आज पता तो ज्ञान में चला तो ज्ञान तो पीछे रह गया और जो है नहीं अपना वो मुर्द हो गया। बहुत बड़ा भ्रम जिनवाणी तोड़ना चाहती है। यदि आत्मा रुच गया तो सिद्ध दशा आए बिना नहीं रही। आत्मा को बातों से तो अपन को अनंत बार रुचा, पर सचमुच में आत्मा हूं ऐसे निकलते समय जो कहे हरी हरी आज मिल, आज आत्मा मिल गई, किसे पता चला कि जो जानता वो तो जीव कहला, तो मैं ही तो वो जो जान रहा था। अभी बाहुबली दिख रहे थे लगता था, अरे बाहुबली ज्ञान में दिख रहे थे तो ज्ञान ही तो दिख रहा था। दर्पण में नंद भैया से पूछ रहे, एक मोर दिखा, एक सामने मोर था और एक दर्पण में मोर दिखा, तो कितने मोर हो गए, ये कैसे हो गए, एक इसमें और एक इसमें। एक गरीब आदमी था गांव से आया, तो उसने अरविंद ये कहा गए, गांव से आए और वो पैसे नहीं, दिन भर में 50 रुपए कमाता खर्च हो जाते, और उसके पास 10 के सिक्के डले, एक 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 ऐसे 10 रुपए डले थे, और एक होटल के पास खड़ा हो और उसकी अच्छी अच्छी बास आ रही थी, तो कह लिए भोजन नहीं मिलता तो बासी ले लू, तो खड़ा रहा। अब वो बहुत चालू था होटल वाला, उसने पकड़ा उसे कि बेटा तुम पैसे दो, कि साहब काय के पैसे दो, कि कितनी देर से स्वाद ले रहे थे, कितनी देर से सुगंध ले रहे थे, पैसे निकाल। अब वो इसी वकील निकला, तो बेचारा वो रोने लगा कि साहब हम तो गरीब आदमी गांव से आए हैं, न खाया न पिया और गिलास फोड़ी छियाने जी क्या है, 10 रुपए मांग रहे। तो कह रहे तुम्हारे पास कितने पैसे, कि 10 के सिक्के, घबराओ नहीं हमें तुम्हारे साथ। गए उसके पास होटल वाले से, कितने रुपए चाहिए तुम, कि 10, कि गिनो, तो एक सिक्का पटका, कितने हो गए, कि 1 हो गए, फिर दूसरा पटका, कि कितने हो गए, कि 2, जब 10 सिक्का पटक दिए, के लिए हो गए 10, तो हो गए चलो तुम रखो और इनको 10 रुपए मिले।
इनको 10 रुपए मिल गए, तुम जाओ। अभी तुमने गिने ना? अरे भैया अरविंद भैया से बात कर, अभी तुमने गिने ना 2000 के नोट? गिन लिए कि नहीं? कितने आ गए? ये पूछ रहे ज्ञान में सिद्ध नहीं आते, तेरे नोट कहां से आ गए? भोजन कहां से आ गया? वो कहां से आ गए? पागलों जैसा है मिथ्यात का काम, भ्रम में डालता है जी। उसे सिक्के मिले कि नहीं? श्रेय नहीं मिले? क्या मिला? जैसे बास मिली ऐसे आवाज मिली? ये इंद्रियों के विषय मिले नहीं, भ्रम से इसे लगा मिल गया, कृत कृत हो गए। अरे बहुत बड़ा पागलपन दूर कर रहे ज्ञानी जन। प्रभु जी आज मुक्त हो गए, सुनना जरा, धक्का लगे तो संभाल लेना अपने। प्रभु जी आज मुक्त हो गए, इस प्रकार बहुत को पर की महिमा आती है, परंतु उन सबको जानने वाले अपने ज्ञान सामर्थ्य की महिमा नहीं आती है। यदि अपन मर गए होते तो महावीर जयंती कौन मनाता, निर्वाण महोत्सव कौन मनाता? यानी हमारी उपस्थिति मायने रखती। यदि मैं ही नहीं होता तो ये आनंद कैसे आता? नहीं साहब, आप कुछ कहो, अपन तो सब है, वो तो चलते ही रहता है, पर सचमुच में इस बार का महोत्सव तो गजब हो गया। महेंद्र भाई ने तो बहुत निर्भर कर, भोजन की व्यवस्था, अशोक भैया ने ठहरने की व्यवस्था, अभिषेक की व्यवस्था सब, और बाहुबली का गीत, और ऐसे श्रेणी के मनोज के, क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया, इनसे पूछो जरा। थोड़ा सा भ्रम टूटे तो अपन ऐसे हल्के से होके निकले, 24 घंटे ऐसा लगेगा जैसे हाँ मैं हूँ, मेरी अनुपस्थिति में सब नहीं हो सकता, मेरी उपस्थिति में सब हो रहा। अपनी ज्ञान सामर्थ्य का महात्म नहीं आता, अपनी ज्ञान सामर्थ्य स्वयं के ख्याल में तो आती है, ऐसा नहीं कहता कि नहीं 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 साहब हम हैं तो, परंतु अंतर में स्वयं उसका विश्वास और रुचि तो लाता नहीं है, कह करके आगे निकले। हाँ हम जानते, बताओ आत्मा किसे कहती? अभी तच्छा एक लड़की से प्रश्न पूछा, मंगलायतन में बीरन जी, बताओ आगम में और अध्यात्म में जीव तत्व की परिभाषा अलग अलग बताओ। इतना अच्छा वो सनावत का था, भाई जी के साथ आया था प्रचार प्रसार, गोरा गोरा है इंग्लैंड जैसा, तो वो बोला जिसमें ज्ञान दर्शन हो उसे जीव कहते हैं ये आगम, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन हो उसे जीव कहते हैं वो अध्यात्म। इतनी खुशी हुई बीरेन जी को, क्या गजब, इतने छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे, इनको समझ में आ रहा अरविंद भैया, अपन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, और इन लोगों को समझ में आ रहा विवेक को। अरे भैया इतना सरल नहीं होता तो फिर शेर को कैसे सम्यक दे सकते? प्रेम चाहिए, रुचि चाहिए। अपनी ज्ञान सामर्थ्य स्वयं के ख्याल में तो आती है, परंतु अंतर में स्वयं उसका विश्वास लाता नहीं। वो साफ साफ कह रहे कि तुम्हें ख्याल में नहीं आए तो तुम बैठ नहीं सकते थे। मंदिर में प्रवचन चलता है, समझ में नहीं आए नीता जी तो फिर आएगा नहीं, आता तो है 8-14 तो आ जाता है, साल भर में 2-4 बार तो आ जाता, तो अच्छा तो लगता ही होगा, तो अच्छा कहाँ लगता शरीर को के कपड़े को? उसकी रुचि नहीं करता, बताओ इतना सा। एक लड़की जिसको कभी देखेंगे, वो 25 साल के शादी हुई और बस इतना ही तो करता है। अब देखो इतना कितना जीवन भर कैसा चलता उसकी, हाँ भड़पाड़ी पर पूरे जीवन भर एक दूसरे से जुड़े रहते। ऐसे ही भगवान कहते एक बार पक्का तो कर कि मैं नहीं हूंगा तो कौन जानेगा, मैं ही जानता। तो ऐसी सगाई तो कर ले आज मड़िया जी में, ऐसी लगन तो लगा ले जीव, तो नियम से निर्वाण आने वाला। करुणा से भगवान अपने लिए कह रहे, भगवान की ओर की सुनना जरा, भगवान की ओर की लक्ष्य के समय वस्तुतः तो ज्ञान भगवान को नहीं जानता, भगवान का निर्णय करने वाली जो ज्ञान सामर्थ है उस ज्ञान सामर्थ को ही स्वयं जानता है। स्वयं जानता है ने जानना भी अपने बल से,
ऐसे पुरोहित ने महावीर स्वामी की जीवनी पूर्व में जब मुनिराज को देखा, उनकी देशना सुनी, तो स्वयं ने समझी, स्वयं ने निर्णय लिया, स्वयं गदगद हो गया, स्वयं मुनि मुनि को याद करता था, कितने अच्छी होती, कितनी अच्छी होती। वो कोई साथ नहीं दे रहा उसका, वो खुद ही कर रहा। उस ज्ञान सामर्थ को ही स्वयं जानता है, जिस ज्ञान के ख्याल में भगवान की सामर्थ आई, उस ज्ञान की सामर्थ का जिसे महात्म ना आए, अंतर सन्मुक्ता करके साक्षात्कार ना करे, स्वाद ना ले, कौतूहल भी न जगे, तो फिर इसने प्रवचन कैसे सुना। इसे ऐसे लगना चाहिए, मुझे देखना आत्मदेव कैसा है, कैसा है, क्या करता है, इसकी इतनी महिमा गाते हैं, भगवान गाते गाते थक जाते हैं, और मैं स्वयं हूं, तो देखेगा देखेगा, उसे जरूरत समझ में आए। अभी देखो आपको जरूरत काय की समझ में आ रही, बस नीचे उतरे और भोजन, जैसी भोजन की शरीर के लिए जगह दे दी आपने, जरूरत है जरूरत है, तो फिर वो प्रवचन ऐसा लग रहा है कि कब पूरा हो और हम सीधे साथ अपना कल्याण कर। ये तो चलते ही रहती निश्चय व्यवहार की बात, इनकी तो आदत है तखत पे बैठ गए तो अभी तो बोलेगे। अरे भगवान महावीर कह रहे वैसा बैठने ही न पड़े तखत पे, आए हो बखत पे तो बैठ जाओ तखत पे नहीं। अपने में बैठो, मस्त रहो, महावीर जैसे सुखी हो जाओ। ज्ञान की सामर्थ्य का जैसे महात्म ना आए, अंतर सन्मुखता करके भगवान किस प्रकार होगा, स्वरूप सन्मुख होकर देख तो जरा, कौतूहल तो जगा, एक बार ऐसा लगे तो कि कोई भगवान कह रहा। अभी हमने सुना जैनम ने एक बात कही थी, हम नहीं आए थे उसे, कि मम्मी से पूछा कि मम्मी इसे मलाई से घी कैसे निकाला जाए। अभी सबके सामने हम दोहरा रहे, हमें जितना सुनने में आए, तो मम्मी ने कहा बेटा उसके गर्म करोगे ना तो उसमें घी है तो निकल आए। तो मम्मी अभी जितना चुरे रहे घी निकले ही नहीं था, बेटा उसमें घी है। अब मम्मी कह रही है, बच्चे को सुखी देखना चाहती, जनवाणी मम्मी कह रही तू परमात्मा है। अब वो मम्मी ने कहा है तो है। अब हम अविश्वास नहीं करें, और उसको तपेती गई और आखिर में उसे घी व्यक्त हो गया। जब व्यक्त हो गया तो दुनिया ने हाँ पाड़ा, परंतु था वो मम्मी बता सकती कि था, तो ये तो दिखता नहीं। ऐसे ये जनवाणी माँ बता रही है कि तू परमेश्वर ज्ञाता भगवान आत्मा है, क्योंकि तू जानता है। अब जानने से पकड़ना था, पर कि एक चिन्ह तो मिल गया कि जानता है वो जीव के लग, उसके पीछे लगना चाहिए, गहराई आना चाहिए, तल पे जाने। रेडीमेड तो धर्म नहीं, सुनने सुनाने का तो नहीं, ये समर्पण का है, अंदर से लगन का है, भक्ति का है। यहां से उठो तो ऐसे उठो कि देखो मुझे क्या पता चल गया, गजब, मैं जीव और मुझ में ज्ञान, और ज्ञान से जीव मढ़िया जी दिख रहे, ज्ञान ज्ञान से दिख रहे, ज्ञान से दिख रहे, ज्ञान इतना ऊर्ध हो कि मढ़िया जी गौण हो जाए, ज्ञानी ज्ञान दिखे, तो आना सफल हो जाए, समोषण जाना सफल हो जाए, सास सुनना सफल हो जाए, जैन कुल पाना सफल हो जाए, देव सास गुरु का मिलना सफल हो जाए, बाहुबली का मिलना सफल हो जाए। इतना चाहते हमारे भगवान, किसी को कुछ देते नहीं, दे सकते नहीं, व्यवस्था ही नहीं, कमी हो तो कुछ दिया जाए, सब द्रव गुण पर्याय से पूरे। स्वरूप सन्मुख होकर देखे तो प्रत्येक समय अपने ज्ञान का ही स्वयं महात्म्य आने लगे, और कभी भी फिर पता कैसे चले प्रदीप भैया कि हमें आत्मा का महात्मा, फिर महिमा दुकान की नहीं आएगी, फिर आप प्रवचन को छोड़ के दुकान के लिए नहीं भागो कि अरे अंशु तो बाहर गया अब चलिए खोलो, ये तो सुनते ही रहते, ऐसा नहीं लगेगा। अरे वो अंशु जाए, अंशु का काम दुकान करे, दुकान का काम, अब असली धन मिल गया, अब नहीं भागेगा वो अंदर। किसी भगवान मिल गए क्या बताना चाहते, यानी बताने का बहुत मन होता है, पर भजन भजन के माध्यम से जितना आपको समझ में आए, फिर से सुनी सुनाई चीज को दोहराते हैं, विचार करना आज के दिवस। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राई चल, आज निर्वाण पर्व महान श्री वर्धमान का, सुबह भी होने न पाई
तजे चले पावा धरा भूली मंगल काज में घड़ी देखना आदत बुरी जागो जब तब ही सवेरा धन्य प्रभु शिक्षा तेरी साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राई चल। कारण की इसमें क्या बताया कि ये मंगल कार्य जिस समय भाव आए यार ये बहुत खिल रहे भाव आग बंद करके बैठ जाओ देखो अमर्यादित काल तक अभी तो पूजा चल रही है अरे पूजा तो होती ही रहेगी आप तो अपना काम देखो जब दशरथ को एक भाव आया कि राम का राज्याभिषेक होने चाहिए हम व्रत धो रहे हैं ये राज्य राम को देना और उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि बिल्कुल मंगल काल है अभी अभी बिठाल दो आप राज्याभिषेक अरे इतनी जल्दी नहीं अब फिर देख लो फिर कल कब आया कि नहीं फिर बताओ कल आया कि चला गया वो राम का काल हम तो सब राजाओं को बुलाएंगे अच्छा आयोजन रचेंगे और फिर बाद में ये करेंगे बताओ वो कल ला के बता दो कल ही हो रहा है कि वो व्यक्ति ही नहीं रहा तो ये बुरी आदत है अच्छे काम में टालना और बहाना खोजना वो कल पे ले जाना ये तत्काल उसी का लाभ ले लेना चाहिए कह रहे दूसरा आप तो प्रभु आत्मा से बन गए परमात्मा भव भ्रमण से आज छूटे हुआ दुख का खात्मा अब महावीर से सुनो भूल जीवो तुम में भी सामर्थ्य अतुले अनंत है शक्ति ना होती तो अन्यन बनता क्या भगवंत है साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। उन्होंने कहा भाई शक्ति तो अनंत अब अपना तीसरा प्रश्न प्रभु आप बातें तो अच्छी करते हमें तो अभी मोह चल रहा है हमारी तो राग देश चल रही इच्छाएं चल रही अभी विवेक भैया ने बताया बहुत इच्छाएं परेशान थी सुनो इलाज माना तुम निर्मोही हो वितरागी फिर भी ध्यान दो हम जानते हैं आप निर्मोही हो वितरागी हमारी तरफ काय को ध्यान दो भक्ति में तो कह सकते माना तुम निर्मोही हो वितरागी फिर भी ध्यान दो कसाए पल पल रुलाती कैसे छूटे आर्त ध्यान बोल भेद विज्ञान सीखो मोह कुछ मेरा नहीं क्या करना है बोले वेद विज्ञान सीखो ये कुछ मेरा नहीं विवेक की भाषा में कहें बोले वेद विज्ञान सीखो इच्छाएं कुछ मेरी नहीं उपयोग में उपयोग देखो मुक्ति मंत्र महायही साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राई। अब शिष्य ने बोला साहब आप कहते हो मोह छोड़ो मोह भिन्न देखो अरे हम इतने दिनों से पूजा कर रहे भक्ति कर रहे आप थोड़ा बहुत तो विचार करना चाहिए आपका भक्त पूजा सदियों से प्रभु जी देव गुरु की कर रहे बोले पूजक पूज क्या यह ज्ञान क्यों न जगा रहे हे प्रभु शुद्धात्मा अनुभव में क्यों आता नहीं भूले अनुभव
तू सदा होता नजर लाता नहीं। समझ में आता है उनकी बुक। अपन कह रहे हैं कि आत्मा दिखते नहीं, हमारा क्या होगा, काल बहुत बीते जा रहा। आत्मा हूँ जानता हूँ और बोलो क्या करें, पढ़ता है रोज समय सा, उसे तुम बता रहे कि आत्मा जानो। अरे हम तो बहुत दिनों से जा, हम तो ऐसे ही प्रवचन करें कि तुम्हें आंखों में आंसू आए, घर जाना बंद कर दो, दीक्षा ले। आत्मा हूँ जानता हूँ और बोलो क्या करें, सुनो, जानता वही जीव है मैं, वही जीव हूँ मैं, बस यही श्रद्धा करें, घी आकारों में न उलझे, ज्ञायक हूँ यही है आत्मा, घी नहीं यहाँ ज्ञान ही है, ज्ञान मात्र चिदात्मा, चल रे राही चल, सुन रे राही सुन, देह क्यों छूटा। अब प्रभु से पूछे आपका देह कहाँ चला गया, इतने अच्छा लगता था परमोदारिक शरीर, देह क्यों छूटा प्रभु जी, क्या उत्तर दिया, क्योंकि वो अपना नहीं, रागान से भी तो नहीं रहा प्रभु, क्योंकि वो अपना नहीं, दिव्य ध्वनि भी बंद हुई क्यों, क्योंकि वो अपनी नहीं, आत्म वैभव संग गया क्यों, क्योंकि अपना यही सही, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते। अब एक आपको बैराग नहीं आता, उसमें बैराग कैसे आए, एक उनकी जीवन का उदाहरण। आप थे त्रिखंड अधिपति पर नरक में क्यों गई, भोगों में आसक्ति थी संतुष्टि नहीं थी, सुनो रे सुन रे राई सुन। रोज नए नए भोजन, शाम को अलग सवेरे अलग चटनी, 10 प्रकार की पापड़, कैसा दिमाग हो गया, सब बन जाती है लेट, और स्वाद तुझे आता नहीं है, भ्रम और पुष्ट होता है, कब छोड़े गए विषयों से। त्रिपुष्ट नारायण की पर्याय से समझा रहे कि मुझे हजारों रानियों में तृप्ति नहीं मिली, रोज नए नए रसोईया बनाते थे, सब लैट्रिन बन जाती थी, कोई काम में नहीं आया, और सब मेरा शरीर राख बन गया और नरक में पट रहा हूँ, कुछ लेके जाओ मड़िया जी। चक्रवर्ती भी तो थे प्रभु, कैसा लगता था वहाँ, सब उपाधियाँ न पूछो, शांति नहीं जग में कहाँ, सुन रे राई सुन, चल रे राई चल, सिंह की सुन जरा, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन कैसे हो गया, बस 2-3 मिनट ले, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हो, और हम लोग आदमी की पर्याय में नहीं कर पा, तो विधि बता रहे हैं। सिंह की पर्याय में प्रभु समझ कैसे जग गई, सिंह नहीं मैं जीव हूँ यह बात अंदर जच गई, सुन रे राई। नंद कुमार जी तुम कैसे लगाओगे, उन्हें तो लगा लिया, सिंह नहीं मैं जीव, तुम कैसे लगाओ, गायक नहीं मैं गायक हूँ ये बात अंदर जच गई, इसीलिए हम अंदर नहीं आते, ये लोग पीछे पड़ जाते,
मुनिवरों की देशना कैसे सुनी क्या पा लिया। शांत मुद्रा देख मुनि को शांति सागर पढ़ लिया। सुन रे राई सुन कि एक प्रश्न और पूछा, आपने शादी क्यों नहीं कराई? सभी तीर्थंकर शादी कराते, आप भी करा लेते, मम्मी को मजा आ जाता, एक आध चैन हो जाता। त्रिशलमा की बात ठुकराए, क्यों नहीं शादी करी? अब उनका उत्तर सुनो विवेक। कौन कहता शादी नहीं की, मुक्ति रमा सहचर मेरी। सुन रे राही सुन, राज क्यों नहीं संभाला आपने? तीर्थंकर के जीव थे, राज काज संभाला क्यों नहीं, प्रजा पालन नहीं किया? उत्तर सुनना जरा, कौन किसका बने राजा, स्वतंत्र लक अणु अणु आहा। सुन रे राई अरविंद भैया, समझ में आ रही है? पेश अब एक प्रश्न और है। अब चलो घर गृहस्थी की, अब ये बताओ, आप इतने बड़े बोल्ड आदमी, तीर्थंकर महाप्रतापशाली पंचकल्याण, आप 65 दिन तक आप बोल नहीं पा रहे, इससे तो अच्छी हम ही है जो दिन भर बोलते रहते। 65 दिवस तक आपकी वाणी प्रभु क्यों नहीं खिरी? सुनो मोन है नसीब, स्वतंत्र सब परिणमन, गड़धर कमी भी ती तभी। हे प्रभु तारे अनंतो, हमको भी तो तारे दो। सुनो उनका उत्तर, कौन किसका तरण हारा, सब प्रभु है ध्यान दो। सुन रे राई सुन, चल रे राई चल। अभी सब बातें हो गई, अब बोले भैया हमारा टाइम हो गया, हमें जान दो, हमारा समय हो गया। आप लोगों को नहीं कह रहे, महावीर जी। चल दिए प्रभु आप तो, अब क्या करेंगे हम अनाथ। बोली जो गौतम ऋषि ने किया वन जाना सना। हे प्रभु कहते मुक्ति आज तो होती नहीं। बोले दृष्टि मुक्ति होती, शंका कुछ करना नहीं। सुन रे राई सुन। अब अंत में देखो उनसे अपन को कितना लाभ है। ये आखिरी समय जोहरी सेवा जो करते, जोहरी बनते दिखे। देखो क्यों आता है जीव भगवान के पास। जोहरी सेवा जो करते, जोहरी बनते प्रभु। शिल्पी की संगत से भी बनते देखे शिल्पी अहो। सिद्धों की आराधना फिर सिद्धि क्यों नहीं लाएगी? बोलो, सिद्धों की आराधना फिर सिद्धि क्यों नहीं लाएगी? सिद्ध हूँ यह सीख तुम बिन कहीं नहीं मिल पाएगी। सिद्ध हूँ यह सीख तुम बिन कहीं नहीं मिल पाएगी। सिद्धों की भक्ति हमें यही सिद्ध पद दिलवाएगी। सिद्धों की भक्ति सिद्ध पद दिलवाएगी, सिद्ध पद दिलवाएगी। चल रे राई चल।
सुन रे राही सुन, क्या सुन? साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही। बोले सनातनानंद सिद्ध परमेश भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, निर्वाण कल्याणक महोत्सव की, चौबीस शंकर भगवान की, बाहुबली भगवान की।